1886 में आज के दिन अमेरिका के आविष्कारक और रसायन शास्त्री मार्टिन हिल ने एल्यूमिनियम की खोज की। 1945 में आज के दिन अमेरिका ने जापान के कब्जे वाले टापू इवो जीमा पर अपना परचम लहराया। इस टापू की स्थिति सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण थी। 1952 में आज के दिन कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया गया। 1958 में आज के दिन अर्जेंटीना के महान फॉर्मूला वन चालक हुआन मैनुअल फांग्यो का दो लोगों ने अपहरण कर लिया। 1969 में आज के दिन हिंदी सिनेमा की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा मधुबाला का निधन हुआ। 1981 में आज के दिन स्पेन में दक्षिण पंथी सेना ने सरकार का तख्ता पलट दिया, जिससे राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई। 1998 में आज के दिन जैविक एवं रासायनिक हथियारों की जांच को लेकर हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान तथा इराकी उप प्रधानमंत्री तारिक अजीज के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। 2003 में आज के दिन कनाडा के डेविसन ने विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाकर 1983 में कपिल देव के रिकॉर्ड को तोड़ा। 2004 में आज के दिन हिंदी फिल्मों के प्रतिभाशाली अभिनेता पटकथा लेखक निर्माता और निर्देशक विजय आनंद का निधन हुआ। 2007 में आज के दिन पाकिस्तान ने शाहीन 2 का परीक्षण किया। 2010 में आज के दिन कतर ने भारत के मशहूर चित्रकार MF हुसैन को अपने देश की नागरिकता दी।